हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं आपके मोबाइल का, डीटीएच का और इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस एजेंसी का और रिडीम बैलेंस आपके अकाउंट से जमा कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, अगर आपको परचेज करना है तो। चलिए वो देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन है जो बिल्कुल आसानी से आप यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो उसके लिए सीधा प्ले स्टोर पर जाइए, कुछ सेटिंग की ज़रूरत है। आप चाहें तो लॉग इन होके हमेशा से यूज़ कर सकते हैं। और ओके, ये दोस्तों बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है और ट्रस्टेड भी है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, जस्ट इसको ओपन कीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जीमेल आईडी से लॉगिन होइए और कुछ फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना होगा। आप जैसा फर्स्ट लॉगिन होते ही पैन कार्ड पूछेगा या आईडी कार्ड नंबर, जो भी है आप बिना डरे इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज। बहुत आसानी के साथ अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, जस्ट आपको नंबर डालना होगा यहाँ। ओके, मैंने ये नंबर डाला तो काफ़ी सारे वो जितने भी नेटवर्क रिलेटेड प्लान्स होते हैं वो आपको शो कर देगा। ओके, देन आपको यहाँ आपके डेबिट कार्ड, अगर नए हैं तो आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा। देन सीवी, उसके बाद जस्ट इंटर कर दीजिए और कुछ ही देर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को जो बैंक में रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी टाइप कीजिए, देन इजीली आपका रिचार्ज हो जाएगा। ओके, तो आप कितने रिचार्ज करें वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। देन आपका रिफंड बैलेंस तुरंत ही आ जाएगा। यहाँ पे 285 रिफंड जो बैलेंस जब रिचार्ज करवा रहा था तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हुआ रिचार्ज, तो तुरंत ही रिफंड आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह आप सभी का रिचार्ज करवा सकते हैं। अब जैसा मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच और ये सभी रिचार्ज कर सकते हैं जस्ट कुछ ही स्टेप फॉलो करने के बाद। ओके, मेन बात बता दूं आपको इस एप्लीकेशन की, आपको तरह तरह के ऑफर मिलते जाएंगे। अब जैसा न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर कुछ 75 कैशबैक आ जाएगा आपको। आप 75 के ऊपर का रिचार्ज कराए थे। ओके, जस्ट प्रोमो कोड में टाइप करना होगा आपको न्यू 75। ओके, आप देख सकते हैं ओके, इस तरह आप गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। ओके, जस्ट मैंने कल ही गया है तो
रखने को ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आप अपने अकाउंट में गूगल प्ले स्टोर के ऐड कर सकते हैं और वहाँ से कौन सी भी एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूँ, अगर आप चाहें तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।